अच्छा जी, अब हम आज आपको बताएंगे जो मुर्गे सेक्स नहीं करते, मीटिंग नहीं करते, उनको किस तरह गर्म किया जा सकता है, क्या तरीक़ाकार हम जो है वो इख्तियार करेंगे। ये दो टीके हैं मेरे पास, मैं अभी आपको इन टीकों के हवाले से बताता चलूँ कि ये टीके कौन से हैं। ये जी एक न्यूरोपिन का टीका है और इसको ये 250 mg का होता है, 1000 mg इसके अंदर जो है वो कैल्शियम और कार्बोनाइड होता है। और ये एक टीका है जिसको टेस्टोवेरान कहते हैं, ये अमूमी तौर पर जो इंसान होते हैं उनको ये लगता है और इसके साथ जानवरों को भी ये लगाया जाता है उनकी तादाद बढ़ाने के लिए। तो ये काफ़ी जो है गाढ़ा सा होता है महलूल, और इन दोनों को इकट्ठा जब करते हैं मिला के तो फिर हम जानवर को लगाते हैं। इसके लिए एक सिरिंज होती है, ये एक सिरिंज हम लेंगे 5 cc की और उसके बाद इन टीकों को इसके अंदर दोनों को भर लेंगे और फिर हम इसको लगाएंगे। मैं अब आपको ये दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने इसको तोड़ लिया, ये टेस्टोवेरान को, टेस्टोवेरान ना काफ़ी गाढ़ा टीका होता है, ये महलूल काफ़ी गाढ़ा होता है, तो इसलिए इसको भरना कोई इतना आसान काम भी नहीं है। क्योंकि ये एयर टाइट हो जाता है, गाढ़ा है, इसलिए इतनी आसानी से ये सिरिंज भी इसको सक नहीं कर पाती। ये अमूमी तौर पर लगता है नामर्दानगी के लिए इस्तेमाल होता है कि जो हो जाती है नामर्दानगी तो फिर इस टीके का एक कोर्स करवाया जाता है। तो जिन जानवरों की मुर्गों की उम्र जो है वो तकरीबन 4 साल 5 साल 6 साल हो जाती है तो फिर उनके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है कि ये जानवर जो है उनको अच्छा बेहतर तरीके से एनवायरनमेंट दिया जा सके। ये देखिए ना कितना मुश्किल है इसको सक करवाना सिरिंज से भी। ये न्यूरोबिन का टीका है जो अब हम उसमें मिक्स करेंगे, अब इसको अब हम करते हैं इस्तेमाल में लाते हैं। अब न्यूरोबिन के इस टीके को अब हम इसे भर लेते हैं। ये देखिए अब हम इसको न्यूरोबिन को भी इसमें इंजेक्ट करेंगे क्योंकि न्यूरोबिन भी इसके साथ मिलके उतना ही मुश्किल तरीके से भरा जा रहा है। इसको भर लिया है न्यूरोबिन और टेस्टोवेरान को और ये अब हमारा बिल्कुल तैयार है। ये जब हमारा जानवर है जो मुर्गा है उसमें हम लगाएंगे इसको, मैं अब आपको तरीका बताता हूँ किस तरह हमने उसको लगाना है। ये देखें जी, ये हमारा 6 साल का जावा है और इससे मैंने बहुत ज़्यादा ब्रीड ली हुई है, बज़ाहिर ये देखें आपको कमज़ोर नहीं है लेकिन ज़रा थोड़ा सा सुस्त हो गया उस लिहाज से, तो इसमें जो अपनी नस्ल बनाने के लिए थोड़ा सा जो है ना ये नहीं चल रहा था, तो अब हमने इसका बंदोबस्त ये किया कि हम इसको टेस्टोवेरान और न्यूरोबिन जो है वो इकट्ठी लगाएंगे और उसके बाद जो है फिर इसकी इस्तेदाद कार जो है वो बढ़ेगी। देखें इसकी ये दोम और ये क्या माशाल्लाह पूरा है। अब आपको दिखाते हैं ये इसका सीना है, ये देखिए ये जो सीना है ये इस हड्डी में आपने इसको इंजेक्ट करना है। ठीक है, ये टेस्टोवेरान है, ये जब आप लगाएंगे तो देखिए जानवर को थोड़ी तकलीफ ज़रूर होगी जिसको आप पकड़ लें,
इसको आपने यूं पूरा रख लेना ताकि इसका जब सुई अंदर जाए तो ये हाथ उत में ना चलाए। चलो देखिए जी, अब हम इसको देख रहे हैं, साथ इतनी आसानी से नहीं लगना, ये थोड़ा टाइम लेता है। खाना है।